अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। गुरुदास महाराज की जय। जो बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी श्रवण दास महाराज की जय। बोले सो नरपै अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। तो गुरु प्यारी सत्संग जीओ धनवादी हां दिल्ली दियां संगतां दे, मोहन गार्डन दियां संगतां दे, संतां महापुरशां दे, बागला परिवार दे, दरबंगा साहब दे अते सारी इस प्रबंधक कमेटी दे जिन्हां ने आप जी दे अज पांचवीं बार दर्शन करवाए हन। सो गुरु प्यारी साध संग जीओ सारयां दे मैं चरणां दे विच बेनती करां कि 20-25 मिनट तुहाडी सेवा करनी है, जिहड़ियां भी गल्लां कहणियां हन, क्योंकि आप सब संतां जाणी जाण हो के बंगड़ ब्रदर दा अपनियां रचनावां दे विच कोई ना कोई संगतां नूं मैसेज सुनेहा हुंदा है। असीं उह गल्लां नहीं करदे कि भाई अखां मीट लो जां हथ उपर कर लो जां हथ थले कर लो, क्योंकि धन धन जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज उन्हां दे चरणां दे विच इही अरदास बेनती करदे हां कि परमात्मा साडी समाज नूं साडी कौम नूं हमेशा चढ़दी कला बख्शे, क्योंकि रब ने तां जग विच पैदा इंसान कीते, सोचो जाता पाता नूं बनाउण वाला कौन है। रब ने तां जग विच पैदा इंसान कीते, सोचो जाता पाता नूं बनाउण वाला कौन है। ऊंच नीच बड़े छोटे अन्नी काणी बंड वाला, ऊंच नीच बड़े छोटे अन्नी काणी बंड वाला, सोचो जरा लेवल लगाउण वाला कौन है। मूंह मोरे कुजे साडे, पिठ पिछे बन्ने जांदे छापे। मूंह मोरे कुजे साडे, पिठ पिछे बन्ने छापे, सोचो जरा पैड़ां नूं मिटाउण वाला कौन है। रैब रशंभूक ऋषि करदा तपस्या सी, सोचो जरा कतल कराउण वाला कौन है। दीवियां च तेल बड़े साडी बर्बादी वाला, दीवियां च तेल बड़े साडी बर्बादी वाला, सोचो जरा जशन मनाउण वाला कौन है। रब रब कहण उत्ते कटना जवान ताई, सोचो जरा कन्नी सिक्का पाउण वाला कौन है। रब रब कहण उत्ते कटना जवान ताई, सोचो जरा कन्नी सिक्का पाउण वाला कौन है। साडियां दुखां नूं मिठा कर्मां दा फल कह के, सोचो जरा नरकी पचाउण वाला कौन है। आखदा रंधावे वाला रत्तू सारी कौम ताई, आखदा रंधावे वाला रत्तू सारी कौम ताई, सोचो जरा चक्करां च पाउण वाला कौन है। बचाउण वाला कौन है, मिटाउण वाला कौन है, सोचो जरा बेड़ी बन्ने लाउण वाला कौन है। गुरु प्यारी सत्संग जी नजर मारिए, अज धर्म विरोधी लोग सानू फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। आ हुणे हुणे कल परसों एक खबर घूम रही है कि एससी एसटी दे उत्ते जो जिहड़े साडे हक खोण दी अज फिर नौबत आ रही है, सानू फिर गुलाम बनाउण दी नौबत आ रही है। सो गुरु प्यारे साध संग जी, असी इस देश दे राजे हुंदे सी, 4-5 हज़ार साल पहला भारत की धरती के उत्ते साडा राज सी। भारत जिहड़ा वह भी साडे समाज दे विच एक राजा पैदा होया जिसके नाम साडे देश का जिहड़ा नाम रख्या गया जिसके नाम से भारत। सो गुरु प्यारे साध संग जी, बाहरों आए आर्या लोगों ने
सानू जातां पातां विच बंड के सानू गुलाम बनाया। साढ़े फादर साहब बंगड़ रायपुरी की कलम तो बिल्कुल नवी लिखी हुई रचना है कि बंड दिता जातां विच सानू मनुवाद ने राज साडा खोलिया सी आरिया समाज ने ब्रह्मंड सारा जदों हो गया उदास सी कांछी विच आए उदों गुरु रविदास जी कांछी विच आए उदों गुरु रविदास जी क्योंकि गुरु प्यारी साध संग जी भावें मंदरां च टल खड़काई जा भावें बिच पहाड़ा मत्थे तू कसाई जा भावें पढ़ी जा तू पोथियां हजार बंदिया होना गुरु रविदास तो बिना नहीं बेड़ा पार बंदिया गुरु रविदास तो बिना नहीं होड़ा बेड़ा पार बंदिया। सुआओ बंड दिता जातां विच सानू मनुवाद ने रचना सरवण करिए संगतां दे चरणां दी धूड़ बंगड़ ब्रदर्स वलों। जदासी गुरु अवतार लेके ओ चौहा कूटा विच उदा प्रकाश होया जेदे हुक्म विच सारा संसार चलिया बंगड़ इको एक जगत गुरु रविदास होया बंगड़ इको एक जगत गुरु रविदास होया बंड दिता जाता विच सानू मनुवाद ने बंड दिता जाता विच सानू मनुवाद ने राज साडा खोलिया सी आरिया समाज ने राज साडा खोलिया सी आरिया समाज ने ब्रह्मंड सारा जद हो गया उदास सी कांछी विच आए कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी। पापा वाला पै गया हनेर सी चारे पासे छाया जदों झूठ ते फरेब सी धरती ते पापा वाला पै गया हनेर सी चारे पासे छाया जदों झूठ ते फरेब सी कंबदी सी धरती ते डोलदा आकाश सी कांछी विच आए वो कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी। जेड़ा बंदा हक मंगदा मनुवाद सच्चे नू सूली उत्ते टंगदा ओ खैर नसीओ दी जेड़ा बंदा हक मंगदा मनुवाद सच्चे नू सूली उत्ते टंगदा बड़े बड़े पाप सब झूठे नू माफ सी कांछी विच आए कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी कांछी विच आए तो गुरु रविदास जी।
राजे दी कचहरी साडा जज ना वकील सी, नहीं सुनी जांदी साडी कोई भी अपील सी। राजे दी कचहरी साडा जज ना वकील सी, नहीं सुनी जांदी साडी कोई भी अपील सी। जदों कोई मिलदा ना सानूं इंसाफ सी, कंछी विच आए वो कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी, कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी, कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी। राजगुरु रविदास ने शंख बजाया सी चमार खलास ने, वो बंडिया सी ऐसा राजगुरु रविदास ने शंख बजाया सी चमार खलास ने। रायपुरी बंगड़ की ताज में मदनोश सी, कंछी विच आए तो कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी, कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी, कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी, कंछी विच आए तो गुरु रविदास जी। गुरु प्यारे सत्संग जीओ, तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय अवतार धारिया जो रब भी इस धरती के उत्ते आने डरता सी। अपने हरेक मंच तो कहते हाँ कि भाई आपस के लड़ो ना लोगो, मसले पैदा करो ना लोगो, फुट साडे पा के साडा दुश्मन फायदा लै जाए ना, गुरु रविदास का सुपना लोगो सुपना बन के रह जाए ना, बाबा साहब का सुपना बन के सुपना बन के रह जाए ना। ओ बेला याद करो कि राजे की कचहरी जदों गुरु खड़े होणगे समझ नहीं आउंदी किदां कल्ले लड़े होणगे। असीं तां बड़ियां सभावां बनाईआं, संत समाज साडे नाल है, पर उस टाइम जदों राजे की कचहरी दे विच धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी 125 मुकदमे चले अते उन्होंने कल्या ही जिते, उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई, उन्होंने तीर या नेजे नहीं कोई चके, उन्होंने बंदूकां स्टेनगनां नहीं फड़ियां, उन्होंने बाणी दे विच इतनी ताकत सी ते जिहड़े जालम सी उन्होंने चरणों के डंडे वांगू पै के डंडौत करते। लिखा है सोहण सहजल ने कि रेंदे दूर ही कोर्ट कचहरियां तो, रेंदे दूर ही कोर्ट कचहरियां तो साडा कोई वकील ना जज हुंदा, लगे हुंदे जवान ते लख ताले ऐदा नहीं सतेजां ते गज हुंदा, दिंदा कोई ना मत लताड़ियां नू ना ही जिंदगी जीण दा चज हुंदा, इन्हां पग्गां दुपट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां दे उत्ते टोकरी ते छज हुंदा, हुंदा जिक्र ना किसे तारीख अंदर साडा सखणा जिहा इतिहास हुंदा, साडा नाम निशान ना किते हुंदा ना जे ना जग ते गुरु रविदास हुंदा। पर असी की करदे हां, असी अपने घर दे विच जोतां जगा के उत्थे ही मूंह काले करी जांदे हां। गुरु प्यारी सत्संग जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ऐसे रहबर होए ने जेड़े गुरुआं दे गुरु, पातशाहां दे पातशाह, बेगमपुरा दे वासी, राजियां दे राजगुरु होए ने गुरु प्यारे सत्संग जी। पर अज भी लोग उन्होंने कहते हैं कि भुखे साधुओं को गुरु नानक देव जी ने भोजन छकाया। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास
ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਉਤਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਧੋ ਮੋਹੇ ਏਕ ਸਹਾਰੋ ਤੋਰਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਰਚਨਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਉਲਟ ਵਗਾਉਂਦਾ ਏ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਗੰਗਾ ਵੀ ਉਲਟ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਥਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤਪਦਿਆ ਹਿਰਦਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਕੁੱਲੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੁੱਲੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਜਿਆ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਿਆ ਬਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡੋ ਸਭ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੱਤ ਦਿੰਦੇ ਜੀਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਪੂਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੱਲਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅੱਜ ਹੋਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਮਨੁਵਾਦੀ ਲੋਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
इन्हां दे खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़दे ते कल नूं साडे पिठ दे पिछे दोबारा छापे बन्ने जा सकदे हन। साडे मूंह दे अगे कुजे बन्ने जा सकदे हन ते दोबारा किसे गुरु रविदास महाराज जी ने अवतार धार के नहीं आना। यह गल पल्ले बन लो क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी नूं तुहानूं बब्बर दे शेर बना गए ने, बब्बर शेर बना गए जी ने। संत रामानंद महाराज जी ने तुहानूं शेरां वर्गी गुड़ती दिती है, तुहाडी कौम नूं ओ अणख दे नाल जीना सिखा गए हैं। जे असी उन्हां रहबरां दीआं कुरबानियां भुल गए असी दोबारा गुलाम हो जाना है क्योंकि हिंदूवाद की जात प्रथा अंदर, हिंदूवाद की जात प्रथा अंदर शूद्र कोई महान नहीं हो सकता। शूद्र कोई गुलाम तो हो सकता, शूद्र कोई प्रधान नहीं हो सकता। ओदी बलि चढ़ाई तो जा सकती है पर शूद्र भगवान नहीं हो सकता। शूद्र रहा है रहेगा सदा ही ना, शूद्र कोई बलवान नहीं हो सकता। इको जहे मनुख दे अंग भावे शूद्र किसे समान नहीं हो सकता। यह उन्हां लोकां दी सोच है जिहड़े सानू दिन रात गुलाम बनाउण दीआं नवीआं तों नवीआं साजिशां कर रहे ने, जिहड़े किसे शहर दे विच बाबा साहब की मूर्ति नूं तोड़ जांदे ने, गुरु रविदास महाराज जी दे सरूपां दे नाल छेड़छाड़ करदे ने। सो गुरु प्यारे साहिब जी इहो जिहे लोकां नूं असी कोई प्रचारक, असी कोई गायक, असी कोई ढाडी रागी नहीं हाँ। संत रामानंद महाराज जी का जो मिशन सी, जिन्हां रहबरां ने अपने सतगुरु का मिशन पूरे वर्ल्ड दे विच पहुंचाया है, रविदासिया कौम के महान संत बैठे ने, संत बीबी कृष्णा देवी जी महाराज, संत सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज, जिहड़े दिन रात एक करके वर्ल्ड के कोने कोने में सतगुरां दे मिशन नूं, सतगुरां दी बाणी नूं पहुंचा रहे हैं। महापुरुषों के बड़े धनवादी हाँ क्योंकि संत भी ओ हुंदे हन जिहड़े समाज के नाल समाज की बांह फड़ के तुरन, क्योंकि एक फकीरी लेख दी, एक फकीरी भेख दी, एक पिछा मुड़ मुड़ वेख दी, एक फकीरी गद्दियां उत्ते लेट दी। जिहड़ी ये फकीरी है ये भेख दी है, ये कौम के महान संत हैं, कौम के बब्बर शेर हैं। इन्हां महापुरशां के दसे हुए रास्तियां ते जे असी चलांगे तां ही साडा जो सतगुरां का संविधान है, साडे रहबरां का संविधान है, सतगुरां का मिशन है, ता ही वह घर घर के पहुंचाया जा सकता है, ता ही बाबा साहब के संविधान को बचाया जा सकता है। आओ रचना सर्व करिए। जगत गुरु रविदास ने बेगमपुरे का राह समझा जी महाराज जी की कलम तो लिखी हुई रचना है कि जगत गुरु रविदास ने बेगमपुरे का राह समझाया, कुल आलम ने चरणा दे विच आके सी झुकाया। क्योंकि गुरु प्यारी साहिब सिंह जी धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ऐसे रहबर होए ने जिन्होंने समुचे संसार की गल की है। उन्होंने अपनी बाणी च लिखा है कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न। उन्होंने यह नहीं लिखा कि जहां मिले चमारा नूं अन्न, जहां मिले किसे अपने समाज की एक कम्यूनिटी की गल नहीं की, उन्होंने समुचे संसार की गल की है कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस है रविदास रहे प्रसन्न। क्योंकि उन्होंने सोच सारे गुरुआ पीर तो संतान महापुरुषों तो उत्तम सी, उच्ची सी। सो इस करके सतगुरों ने क्रांतिकारी बाणी लिखी है। आओ धन धन संत सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज उन्होंने कलम तो लिखी हुई रचना सरण करिए। जगत गुरु रविदास ने बेगमपुरे का राह समझाया, कण कण विच गुरु रविदास बसदे तेरा नूर है सारे जहान अंदर, उच्चा सुच्चा मशहूर है नाम जगते, मुहम्मद साहब है जिमें कुरान अंदर। जगत गुरु रविदास ने बेगमपुरे दा राह समझाया, जगत गुरु रविदास ने बेगमपुरे दा राह समझाया, कुल आलम ने चरणा दे विच
झुकाया सतगुरु रविदास ने बेगम पुरदरा समझाया जगत गुरु रविदास ने सानू नीचो ऊंच बनाया जंजुआ दी सानू लोड़ ना कोई कोमरी सदिया तो बिपरा सीना ताड़ी होई ठाकर पूजा ते जंजुआ दी सानू लोड़ ना कोई कोमरी सदिया तो बिपरा सीना ताड़ी होई एक सब लू करना कंती दाह बिगल बजाया सतगुरु रविदास ने बेगम पूरा तरह समझाया जगत गुरु रविदास ने सानू नीचो ऊंच बनाया पापा पह के दल तो पाई जगाया देश विदेशां दे विच होका सतनाम दा लाया पा दीन पापा पह के दल तो पाई जगाया देश विदेशां दे विच होका सतनाम दा लाया फिर पावना सबनों इको पंगत विच बिठाया जगतगुरु रविदास ने बेगम पूरे तरह समझाया जगतगुरु रविदास ने सानू नीचो ऊंच बनाया रविदासिए जगत गुरु दे पैरोकार कहंदे सारी दुनिया दे विच झंडे हर दह लहरांदे रविदासिए जगत गुरु दे पैरोकार कहंदे सारी दुनिया दे विच झंडे हर दह लहरांदे रविदासिया ने सबनू है जय गुरुदेव बुलाया जगतगुरु रविदास ने बेगम पूरे तरह समझाया जगतगुरु रविदास ने सानू नीचो ऊंच बनाया सतगुरु तेरी ज्ञान दा है भंडार जेड़ा इसनू पढ़दा हुंदा पर सागर तो पार अमृत बाणी सतगुरु तेरी ज्ञान दा है भंडार जेड़ा इसनू पढ़दा हुंदा पर सागर तो पार तेरे चरना दे विच सतगुरु भावे सिस झुकाया जगतगुरु रविदास ने बेगम पूरे तरह समझाया जगतगुरु रविदास ने सानू नीचो ऊंच बनाया जगतगुरु रविदास ने सानू बिच जहाज बिठाया जगतगुरु रविदास ने बेगम पूरे तरह समझाया अमृत बाणी सतगुरु जी ਧੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਰਨੀ ਚੁਕਾਏ ਸੀ
गुरु जेड़े नाल ले आए सी चारे ही बरन सतगुरा ने एने नहीं चरनी चुके सी कंधा चीर चार जंजू कड़े सी कंधा चीर चार जंजू कड़े सी इन कलाब लियाण नो लगन न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाण नो लगन न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाण नो सुर में बड़े बड़े साडे विद्वान ने अपने पुरखिया नु पढ़ के कौड़ा सच कर दे बयान ने अपने पुरखिया नु पढ़ के कौड़ा सच कर दे बयान ने निशन गुरां दा सिगांदे हां निशन गुरां दा सिगांदे हां सुती हुई कौम जगाने नो लगन न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाण नो लगन न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाण नो इस पैरे दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की गल लिखी हुई है साडे फादर साहब बंगड़ रायपुरी ने चारे पुत्तरां नूं जिन्ने बार के लिख दिता साडा संविधान है जिस विच साडे हक लिखे ने सानूं उस जोड़े उत्ते माण है जिन्हें बार के लिख दिता साडा संविधान है जिस विच साडे हक लिखे ने सानू उस जो दे उत्ते माण है एक जुट होना सानू पैना है एक जुट होना सानू पैना है हुण संविधान बचाउण नू लगण न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू लगण न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू पछताणगे रायपुरी बंगड़ तैयार हां रायपुरी बंगड़ तैयार हां कूड़ दियां कंधां हुण टौण नू लगण न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू लगण न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू लगण न दई कंछी वालिया फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू फिर दे विरोधी पिठ लाउण नू इन्नियां
हाजरी अमर जरूर करनी आ। मैं ना एक हकीकत दसन लगा एक मिनट की। मैं एक शादी के विच गया, कोट पेंट पाया ते टाई लगाई। मेरे मामे दे लड़के की शादी सी, उहदे दोस्त एक दो जिहड़े धर्म विरोधी समझ लो वह आए सी, ते उहने ना मैनू मजाक दे विच कहा, कहिंदा बड़ियां टाइयां टुइयां लाई फिरदे आ, कहिंदा तुहाडे बुढ़े तां नंगे घुम्मदे हुंदे सी। मैं उहनूं इह जवाब दित्ता, भाई साडे बजुर्ग इस करके नंगे घुम्मदे सी, साडे घर दे विच नंगे पुंगे देवतियां दीआं फोटोआं लगियां हुंदियां सी। अज असी टाइया लाने के इस काबल हो कि साढ़े घर टाई वाले बाबे की बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगी है। धन धन जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप लगा है जिन्होंने साढ़े टाइया लवाईया हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जे कोई बोलद हो कीर्तन करद हो गलती हो गई हो सारी संगत तो माफ़ी मंगते हाँ। पहाड़ों के बाबियां पूजन जाते हाँ, एडे वे बाबे संत निरंजन दास महाराज जी, संत सुरिंदर दास बाबा जी महाराज बैठे हैं, इन्हों पूजो। धन धन जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद सदका ही तुहाडे नगर विखे तुहानू दर्शन दीदारे देने लई आए हैं। जे देवी देवते पूजने हैं तो देवते भी बैठे हैं, बाबे पूजने बाबे भी बैठे हैं, जे देवी नू पूजना है माता नू पूजना है वह भी बैठे हैं। माता जी बीबी कृष्णा देवी जी महाराज जेडे वर्ल्ड के कोने कोने में जाके निरभय होके निडर होके सतगुरां दे मिशन से सतगुरां दी वाणी से पहरा दे रहे हैं। नमस्कार है इन्ह संतां महापुरुषों के चरणों से। एक बार फिर धन्यवादी हाँ साडे क्रांति टीवी वाले सुरेंद्र बब्बू जी जिहड़े अज की कवरिंग कर रहे हैं, सारिया संगतां दे जिन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद बख्शिया, संतां महापुरुषों के जिन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद बख्शिया, साडे बागला परिवार की साडे कमेटी मैंबर सारे रब वर्गे स्रोते बैठे हैं, साडे सिकंदर साहब दरभंगा साहब जिहड़े बहुत ही मिश्रली विचार भी पेश करते हैं, जिन्हों का साडे ते भी बड़ा हाथ है, क्योंकि जो कोई अं गलती करते हैं तो सानू स्टेज पर डांट देंदे हैं, अगे तो असी पूरी तैयारी करके आते हाँ। सो जे बोलद हो कीर्तन करद हो कोई गलती हो गई हो सारी संगत तो माफी मंगते हाँ। जय गुरु देव। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। प्रातः स्मरणीय सतगुरु जगतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु परम पूज्य स्वामी काशीदास जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मंच पर विराजमान संत महापुरुष, वीर सिंह हितकारी जी महाराज, सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज, कृष्णा देवी जी महाराज और संत महापुरुष, सभी के चरणों में वंदन अभिनंदन। आज सतगुरु जगतगुरु रविदास महाराज जी के 641वें पावन पर्व के अवसर पर मंगोलपुरी मोहन गार्डन, ये शक्ति विहार, हाँ शक्ति विहार मोहन गार्डन, सतगुरु जगतगुरु रविदास महाराज जी के स्थान मंदिर सभी के समक्ष बोलने का 2 मिनट का अवसर मिला। सतगुरु के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं सतगुरु जगतगुरु रविदास जी महाराज। महाराज जी ने तो सारे उपदेश दिए हैं, सभी
परम पूज्य संतों ने इसका बखान किया है, पर मेरी समस्या तो यही है कि मूल सूत्र है कि अपने आप को पहचान ले। मूल सूत्र अपने आप को पहचान ले। महाराज जी ने भी शब्द में कह दिया है कि अहोतन का जो करे विचार तेन नहीं जन्म कंकुरु खुआर। मूल सूत्र अपने आप को पहचानो। जो अपने आप को पहचान जाएगा वो अपने बाप को जान जाएगा, वो अपने इष्ट को जान जाएगा, अपने कौम को, अपने परिवार को, सबको पहचान जाएगा। जो अपने आप को भूल गया वो संसार में किसी को नहीं पा पाएगा। तो यही कहते हुए समय होने जा रही है। सभी प्रेमी बंधुओं से, माता बहनों से, संसार का सबसे बड़ा एक पदार्थ है जो हर किसी को उसकी भूख है, उस पर जोर देना है। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है। महाराज जी ने कहा, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे लोह कंचन हिन्न हो कैसे जो पारस ना परसे। बाबा साहब ने भी कह दिया शिक्षित बनो। तो सबसे बड़ा पदार्थ शिक्षा है। तो हमें सभी भाई बहनों को, माता बहनों को, सबको उस पर जोर देना है ताकि हमारे बच्चे और आने वाले बच्चे अशिक्षित ना रहें। जो शिक्षा रहेगा तो किसी भी चाहे देश हो विदेश हर जगह वो दहाड़ेगा, और शिक्षा नहीं है तो घर में भी नहीं बोल पाएगा। तो सभी से करबद्ध निवेदन है, माता बहनों से, अपने अपने बच्चों और बालकों को, जो भी कमजोर वर्ग है तो मेरे प्यारे बंधुओं थोड़ा उसको भी सहारा देके उसके बच्चों को भी पीछे ना रहने दे। यही एक प्रार्थना है। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। आज 3 मार्च गुड फ्राइडे के दिन असी अपने इस गुरु घर सतगुरु रविदास महाराज का 641वां प्रकाश पर्व मनाया है। इस प्रकाश पर्व नूं मनांदे होए जिथे सारे समाज ने, संत समाज ने साडा सहयोग किया है, उत्थे ही क्रांति टीवी की टीम ने आके साडी हौसला अफजाई की है। असी सारे संत समाज के, दूसरे समाजों के और क्रांति टीवी के दिलों शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय भी सानू इस तरह ही अपना साथ देंदे रहेंगे। सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बेनती है कि क्रांति टीवी की सारी टीम बड़े वीर सिंधा कौलदार जी नू, बब्बू जी नू और बाकी जो मैं नाम नहीं ला रहा उन्हों सारे नू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बेनती है जी, एक टीवी चैनल जो चलाया गया है ये जल्दी तो जल्दी 24 घंटे ना केवल भारत बल्कि पूरे अखंड ब्रह्मांड के चले, यदि ख्याति दिन दुगनी रात चौगनी फैले। अपनी सारी टीम ने मैं एक बार फिर साई संगत का, संत समाज का और क्रांति टीवी का दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास जी महाराज। दर्शन गुर मेरे मैं दम दम याद करा, दर्शन गुर मेरे मैं दम दम याद करा, तक तक नूरी मुखड़ा जी मैं, तक तक नूरी मुखड़ा जी मैं, जीवन सफल करा मैं हर दम याद करा, दर्शन गुर मेरे मैं दम दम याद करा, दर्शन गुर मेरे मैं दम दम मैं।
हर तम याद करा सतगुरु जी की कृपा में ता पाया नाम पदार्थ सत नाम की पूंजी पाके हुंदा जन्म करत सतगुरु जी की कृपा में ता पाया नाम पदार्थ सत नाम की पूंजी पाके हुंदा जन्म करत ओ हुंदा जन्म करत सतगुरु करनी लग के मैं सतगुरु करनी लग के मैं कम दूता तो क्यों डरा मैं हर दम याद करा ते दर्शन गुरु मेरे मैं दम दम याद करा ते दर्शन गुरु मेरे मैं दम दम मैं हर दम याद करा गुरु नाम का बोहे था मैं भी बह गया टिक टिक ठाके प्रेमी नाम का रस पीते गुरु चरण सुरत टगाके